नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देखें एलआर न्यूज़ 24x7। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई का ताकतों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, उसी पे लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से देश में चुनाव का माहौल है और एक महीने के अंतर्गत जो चुनावी माहौल बचा है उस एक अंतर्गत महीने में कुछ भी ऐसा राजनीतिक समीकरण बना जा सकता है और बहुत कुछ देखने को भी मिल जा सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि देश की चिंता अगर किसी को है भी नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगे हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा था बीजेपी को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो, और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके से माहौल अगर रहा तो 2019 का परिणाम कुछ अलग है। आजकल जो देश की स्थिति है और चुनाव बहुत नजदीक, अभी आप समझ लीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक या जब भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा इलेक्शन का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इस बीच में आप समझ लीजिए लगभग एकाध महीना तरह तरह की चीज होती रहेगी। तो एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, जिस तरह से कटुता और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही लगभग एक महीने तक की बात है। देश की चिंता है किसी को? देश की कोई चिंता है? अरे भाई, चुनाव आ रहा है तो लोगों को वोट की चिंता, देश की कोई चिंता वगैरह नहीं। इस तरीके से ममता बनर्जी और बंगाल की जो पुलिस है और या फिर सीबीआई की बात कर ली जाए तो उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, हमारी आदत नहीं है कमेंट करने की। सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन कौन क्या करता है उस पर हम कमेंट नहीं देते, इसलिए कि सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है। वही एक्सप्लेन करेगी सीबीआई, एक्सप्लेन करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब पटना की रैली में कल एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे तो कभी भी अपने शब्दों में महागठबंधन का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि महागठबंधन का नामकरण तो मैंने खुद ही किया था, अगर आज कोई महागठबंधन का नाम ढकोसला घुमा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप तो नाम लिए गठबंधन का, ये कैसे नाम लिए? राहुल जी तो कल एक बार नहीं बोल रहे थे महागठबंधन, तो खाली गठबंधन बोल रहे थे। क्या उनको रियलाइज हो गया कि महागठबंधन तो अब है नहीं, अब ये सिर्फ गठबंधन? महागठबंधन का नामकरण तो हम ही किए थे ना। साथ ही साथ ये भी बताया कि आने वाले चुनाव 2019 के चुनाव में इसकी कोई वजूद नहीं बचेगी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन का जो चुनाव है उसमें दरअसल अब लड़ाई सीधी महागठबंधन और एनडीए में है और देश के प्रधानमंत्री सीधे श्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। दरअसल अब देखने वाली बात यह है कि अब 2019 के चुनाव के परिणाम आने के बाद कौन प्रधानमंत्री होते हैं वो तो देखने वाली बात है। तब तक के लिए देखते रहें एलआर न्यूज़ 24x7। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, पटना।